लेकिन अभी तबों की ईंट उस सरकार में लगे
तभी सरकार की बुनियादी जरूरतें निश्चित रूप से पूरी होंगी। और इसलिए आज उपचुनाव की बेला है, मैं भी आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आज सभी हमारा नेतृत्व तो यहां बैठा हुआ है, सरकार की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दबो की ईट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम लोग दबाव पाते रहे। जयंत बलैया जी का योगदान दबाव में भारतीय जनता पार्टी के सदन को बढ़ाने के लिए और सदनों के विकास के लिए न भूलने वाला है। उनका पार्टी के लिए समर्पण या निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई और बीच में भी उनसे बात हुई। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, अगला चुनाव भी अगर होता तो जयंत मलैया जी लड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा यह कहने की कोशिश की है कि आप बहुत हो गया। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब उपचुनाव हो रहा है तो उनके मन में लग सकता था कि अगर मैं जीतता तो ये 5 साल के चुनाव होते, लेकिन परिस्थिति नहीं बनी।